सर्दियां शुरू होते ही सोलन जिला में बिजली की आंख मिचौली शुरू हो जाती है। हालांकि सरकार व विद्युत विभाग पिछले कई सालों से इस समस्या के निपटारे का आश्वासन देता आ रहा है, लेकिन धरातल पर वही ढांक के तीन पात देखने को मिलते हैं। इन दिनों सोलन जिला के लोग बिजली के अघोषित कटों से परेशान हैं और लोगों के रोजमर्रा के कार्य प्रभावित हो रहे हैं। प्रदेश सरकार व विद्युत विभाग सोलन जिला में बिजली के अघोषित कटों को रोकने में नाकामयाब साबित हो रहे हैं, जिसका कारण है सोलन जिला में 30 एमवीए की पावर, लेकिन सर्दियों के मौसम में 36 एमवीए प्रयोग हो रहा है, जिसके चलते विभाग को कट लगाकर अपने सिस्टम को बचाना पड़ रहा है। हालांकि इस समस्या से निपटने के लिए विद्युत विभाग ने सप्रून व सोलन में 2 नए सब स्टेशन खोले हैं, पर अगर हकीकत देखी जाए तो ये भी कम है, क्योंकि बिजली विभाग ने ये सब लोड के हिसाब से तैयार किया है। और हकीकत ये है कि लोगों ने 1 किलोवाट का कनेक्शन सैंक्शन करवाया है और वे 10 किलोवाट तक बिजली प्रयोग कर रहे हैं, जिसकी वजह से विभाग के ये नए सब स्टेशन भी सफेद हाथी साबित होंगे। सोलन के लोगों ने बताया कि आए दिन बिजली के अघोषित कटों से उनके रोजमर्रा के कार्य प्रभावित हो रहे हैं, उनकी दिनचर्या पर भी इसका खासा असर पड़ता है। लोगों ने बिजली विभाग से अघोषित कटों को ना लगाने की मांग की है। लोगों ने कहा कि कट लगाने से पूर्व विभाग द्वारा उन्हें सूचित किया जाना चाहिए, ताकि इससे होने वाली परेशानियों को कम किया जा सके। आजकल सर्दियों में बहुत दिक्कत आई, जैसे बच्चे स्कूल जाने वाले, सुबह नहलाना धुलाना, स्कूल भेजना उनको, और मतलब बगैर हीटर से तो बैठ ही नहीं सकते। और जैसे हम मार्केट में काम कर रहे तो मतलब बिजली के कट इतने लग जाते कि हमारा काम करना बहुत मुश्किल हो जाता है यहाँ पर। इसके बारे में थोड़ा सा इसके बारे में ध्यान दिया जाए कि थोड़ा कम से कम कट लगाएं, ताकि मतलब टाइम ऐसा है कि अघोषित कट किए जा रहे हैं बिना बताए, जो है जो बिजली विभाग है वो कट लगा रहा है, और इससे जनता को कितनी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, ये बहुत बड़ी बात है। जो है यहाँ तो जनता को बताया जाए कि आज हमारा ये कट लगने वाला है। यानी यही है कि सर सुबह सुबह लोगों ने, किसी ने काम पे जाना है, किसी ने ड्यूटी पे जाना है, और सब लोगों ने डेली अपने कारोबार के लिए निकलना होता है, तो सुबह ही 8 बजे, कभी 8:30 बजे, 9 बजे इस तरह से कट लग जाते हैं। अघोषित कट से तो बहुत ही ज़्यादा दिक्कतें आ रही है, हमारे रिटर्न भरनी होती है, बिल्स काटने होते हैं, बिल नहीं, लाइट नहीं होगी तो हम क्या कर पाएंगे, हम तो सारा दिन बेकार हो जाते हैं। और इसके ऊपर कुछ एक्शन लेना चाहिए, वो देखे कोई पॉलिसी बनाए, उस ढंग से काम करे। या बिजली के कट लग रहे हैं, काफ़ी कट लगते हैं, और खासकर शाम और सवेरे कितने लगते हैं कि ना तो बच्चों को स्कूल में भेजना हो तो पानी नहाना, बिना नहाए भेजना पड़ता है उनको। इसी तरह से जो दफ्तर में जाते हैं उनको भी यही प्रॉब्लम आती है। वहीं इस बारे में जब विद्युत विभाग के अधिशासी अभियंता अशोक धीमान से बात की गई तो उन्होंने बताया कि कटों को लगाना विभाग की मजबूरी है, क्योंकि उनके पास 30 एमबीए तक की पावर है, लेकिन इन दिनों बिजली का भार 36 एमबीए तक जा रहा है, जिसकी वजह से उन्हें ये कट लगाने पड़ रहे हैं। घोषित कट है ये तब लगते हैं, ऐसे है जहाँ हमारे पास 30 एमबीए, मतलब हमारा पास हमारा सब स्टेशन है जो सोलन डिस्ट्रिक्ट में है, 30 एमबीए का, उस पे हमारा आज का लोड चल रहा है 36 एमबीए तक। इसी ढंग से हमारा जो सबस्टेशन है इसको सुचारू रूप से चलाने के लिए, ढंग से चलाने के लिए हमें कभी जब हमारा लोड बढ़ जाता है, जो रिक्वायरमेंट है सोलन डिस्ट्रिक्ट की वो 36 एमबीए तक जा जाती है, तो उसको हम घोषित कट नहीं, वो कट लोड शेडिंग के लिए हम उसको बंद करते हैं। समस्या को दूर करने के लिए हमने नया सबस्टेशन 33 केवीए का एक सप्रून में, वो हमारा तैयार है, बिल्कुल रेडी है, उससे हम सोलन डिस्ट्रिक्ट को काफ़ी नज़ाकत मिलेगी। 6.3 एमबीए का, 30 एमबीए का बाया, 6.3 एमबीए का ये लग रहा है सबस्टेशन, इसमें 3.15 के 2 ट्रांसफार्मर लगे हैं, तो ये बिल्कुल रेडी है, अब तैयार है, और इसकी टेस्टिंग वगैरह भी हो गई है, बस इलेक्ट्रिकल फीस भी जमा हो गई है, अब देखते हैं जैसे जल्दी से जल्दी इसको हम करेंगे, इसके बाद इससे मेरे को लगता है काफ़ी राहत मिल जाएगी। निश्चित तौर पर इस समस्या से निपटने के लिए सरकार को कड़े कदम उठाने की आवश्यकता है, साथ ही उन लोगों की भी स्क्रूटनी करनी होगी जो बिजली के कम पावर के कनेक्शन में ज्यादा बिजली की खपत कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी चैनल, सोलन।